फ्रेंड्स, आज हम क्रिस्पी मेथी पकोड़ा बनाएंगे। गुजराती में हम इसे मेथी नी भाजीना भजिया बोलते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं क्रिस्पी मेथी पकोड़ा। क्रिस्पी मेथी पकोड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधी गड्डी मेथी की भाजी बारीक काट के ली है और साथ में 2 कप बेसन, आधा कप ज्वारी का आटा, 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून धना पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 2 चुटकी भर बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून तेल और साथ में 2 केले लिए हैं। ये सब्जी को हमने 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धो के ली है ताकि इसमें से मिट्टी अच्छी तरह निकल जाए। अब हम पकौड़ा का बैटर तैयार करेंगे। पकोड़ा का बैटर तैयार करने के लिए हमने एक बाउल में 2 केले स्मैश करके लेंगे और उसमें सारे मसाले डालेंगे। पहले हम उसमें बेसन डालेंगे और साथ में ज्वारी का आटा भी डालेंगे और सारे मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, धना पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, हींग डालेंगे और पकोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए तेल डालेंगे और साथ में 2 चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे और साथ में मेथी की भाजी डालेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बैटर हमारा बनके तैयार है, इसे हम पकोड़े बनाने लेंगे। पकोड़े हमें इस तरह छोटे छोटे छोड़ने हैं। पकोड़े के लिए हमने पहले से तेल गरम करके लिया था। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे होने देना है। पकोड़े हमारे अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। पकोड़े हमारे फ्राई करके तैयार है। इसे हमने गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करके लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और सारे पकोड़े इस तरह फ्राई करके लेंगे। सारे पकोड़े हमारे फ्राई करके तैयार है। इसे हम सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। क्रिस्पी मेथी पकोड़ा हमारा खाने के लिए तैयार है। गुजरात में इसे हम त्योहारों में और शादियों में बनाते हैं। इसे हम बड़े शौक से खाते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में ये क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए।